हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारे पास एक कस्टमर आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, हालांकि अपने बहुत पुराने कस्टमर ही हैं। ठीक है, आज अपने से एक स्कैनर, क्योंकि इनके पास पहले कोई स्कैनर नहीं था, तो अभी स्टार्टिंग पहला इनका लाइफ का पहला स्कैनर ये है। ठीक है, तो मैं इनको चाहता तो इनको बड़ा स्कैनर दे सकता था, मगर इनको नॉलेज भी इतनी होनी चाहिए, डायरेक्ट बड़ा स्कैनर 1-1.5 लाख का स्कैनर लेके वो काम कर पाए। ठीक है, तो मैं इनको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप छोटा स्कैनर लेके थोड़ा काम को इम्प्रूव करें, और उसके बाद बड़ा स्कैनर के साथ आप शिफ्टिंग हो जाए हुई है। ठीक है, मेरा ये सजेशन था। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बात है वो बात को रख के इन्होंने अपने से थिंकडेक 4.0 लिया है। ठीक है, ये अपना 1 साल का ऐसा इसका बॉक्स होता है, 1 साल का इसके अंदर पूरा, आज के डेट से 1 साल पूरा इनका सॉफ्टवेयर चलेगा। ये ऑनलाइन वर्जन रहता है, ओरिजिनल, ठीक है, क्रैक वर्जन की बात नहीं करूँ, ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेगा और ऑनलाइन चलेगा। इसका ये बॉक्स रहता है, और इसके साथ हमने इनको केबल भी दिया है, थिंक कार की ओरिजिनल केबल भी हमने इनको दिया है। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो में आपको बताऊँगा, क्वालिटी बढ़िया है बोले तो वो आपको यकीन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? मेरा खुद का माल है। ठीक है, तो मैं इस चीज को सेल कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी चीज को एक नंबर ही बताऊंगा। तो मैं कस्टमर से पूछना चाहता हूँ, आपको केबल पसंद आई है या नहीं आई है? नहीं नहीं, केबल में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वालिटी तो दोस्तों बहुत अच्छी वाली क्वालिटी है, मैं इसको बहुत पसंद किया हूँ। ये एक्सपेंडर बहुत स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि ये हार्ड या टूटने वाली कोई चांसेस भी नहीं है। अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम ये जो इसका प्रोसेस होता है इंस्टॉल करने का, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये ऑनलाइन से चलता है, तो आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलेगा। अभी इनका हमने फोन मंग लिया है 2 सेकंड के लिए। अभी देखो, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर सर्च करना है थिंक कार बोल के सर्च करेंगे तब भी आएगा, थिंक डाइक बोल के सर्च करेंगे तब भी आएगा। अभी मैं थिंक कार का सेलेक्ट कर लेता हूँ, थिंक डाइक प्लस। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर आता है, इधर दिख रहा है आपको थिंक कार। ठीक है, ये कंपनी है, इसका जो सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो थिंक डाइक प्लस। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। कैसे आपको इंस्टॉल करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सामने इसलिए देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। देख सकते हैं अपना जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को दिक्कत आती है, थिंकडेक तो ओरिजिनल तो ले लेते हैं, इंस्टॉल कैसा करना है, कैसा इसका लॉगिन करना है, वो उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं रहता है, तो आपको मैं बताऊंगा। देखो, सॉफ्टवेयर आप ओपन करना है, थिंकर का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है, राइट साइड आपको क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, अलो कर लेना है, आपको अकाउंट साइन अप करना है। ठीक है, आपको साइन अप करना है, जो आप पहली बार जब ये ले रहे हैं उस टाइम पे आपको साइन अप करना है। साइन अप में चले गए तो आपको ईमेल आईडी में थोड़ा मार लेता हूँ। देख सकते हैं ईमेल आईडी में मार लिया हूँ, थोड़ा छुपा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, अभी जो आपने ईमेल आईडी इंटर्ट किया है वो ईमेल आईडी को आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसके अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आया है, ये आप
कोड लेना है आपको, देख लीजिए 763538, ठीक है। हमने जो ईमेल आईडी इंटर किया था वही ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन कोड आएगा। दोबारा इधर वापस आना है, जो कोड आया था वो कोड इसके अंदर इंटर करना है 763538, ठीक है। हमने जो वेरिफिकेशन कोड जो आया था वो हमने इसके अंदर इंटर कर लिए हैं, और इसके अंदर क्या लिख के आ रहा है, प्लीज इंटर न्यू यूजर नेम। जो आपको यूजर नेम आपको चाहिए वो आप इधर रख सकते हैं। अभी मैं इधर इसके अंदर रख दूंगा, एक काम करता हूँ इनका सीरियल नंबर रख देता हूँ, यूजर नंबर इनका सीरियल नंबर रख देता हूँ 9798 9798 6 9 9 8 9 7 9 8 6 9 0 3 1 5 9 7। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ नाम देता हूँ। क्या नाम दूँ? FR EE Freedom। दूसरा क्या एक देना? फ्रीडम नंबर चाहिए क्या? नंबर ही चाहिए तुझे? स्पेस नहीं रहना चाहिए क्या शायद? अभी इनका यूजर नेम जो भी आपके हिसाब से आपको चाहिए वो दे सकते हैं, ठीक है। अभी एक पासवर्ड थोड़ा मैं स्टॉप करता हूँ, पासवर्ड मान लो तुम्हारा, जो आपको पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड इसके अंदर आप इंटर कर सकते हैं। देखो अभी हमने यूजर नेम में जो आपको नाम अच्छा लगे वो आपको नाम रख लेना है, और जो आपको पासवर्ड दिमाग में याद रहे वो आपको पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है। ये अपना हो चुका है लॉगिन, ये अपना लॉगिन हो चुका है। अभी सॉफ्टवेयर इसके अंदर कुछ भी आए नहीं है, और हम इसके अंदर दिखाता हूँ कैसा करना है आपको। देखो ये आपका जो लॉगिन आईडी है वो इसके अंदर सेट हो चुकी है। अभी हम जाएंगे सिस्टम ऑल, ठीक है, एक्टिवेट। अभी इसके अंदर जो ये इसके अंदर जो लाइसेंस रहता है वो एक्टिवेट करना रहता है, एक्टिवेट में जाएंगे, ठीक है। एक्टिवेट में जाने के बाद आपको सीरियल नंबर मारना रहता है 9 7 9 8 6 9 0 3 1 5 9 7, ठीक है। हमने सीरियल नंबर मार लिया है, और आपके बॉक्स के अंदर जो ऐसा बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर आपको दो पर्ची मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड, ठीक है, ये इसके अंदर रहेगा। हमने सीरियल नंबर मार लिया है क्योंकि इसके अंदर भी वो लिखा रहा है, सेम टू सेम सीरियल नंबर आता है। एक्टिवेशन कोड हम इसके अंदर मारेंगे, एक्टिवेशन कोड 6 8 9 7 6 8, ठीक है। हमने जो इसके अंदर एक्टिवेशन कोड मार दिए, सीरियल नंबर मार दिए, हमें एक्टिवेट करेंगे। ये वन टाइम रहता है, इसके बाद कोई इसका जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन कोड वन टाइम ही रहता है। आज के डेट से जो है, आज के डेट से इनका सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर बता रहा है कंग्रेचुलेशन ब्लेंडिंग सक्सेसफुल, ठीक है। अभी इनका सक्सेसफुल हो चुका है इंस्टॉल। अभी देखो सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ये ब्लूटूथ कनेक्ट करना रहता है। ये जो अपना VCI है वो हम एक बार पावर सप्लाई देके इसका ब्लूटूथ जो रहता है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में आप लगा के, इधर देखो गाड़ी में लगा के आपका जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के साथ जो अपना VCI है, VCI ऑटोमेटिक वो ब्लूटूथ के जरिए वो कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। थोड़ा समय लग सकता है, स्कैनिंग होना है वो।
इधर से नहीं भी होता है तो आप क्या करो, स्लाइड करके आप ब्लूटूथ की सेटिंग में आ जाओ, इधर आपको आएगा, देख सकते हैं जो सीरियल नंबर है पेयर, ठीक है, ये अपना पेयर हो चुका है, इधर भी पेयर हो जाएगा। ये अपना ब्लूटूथ के साथ VCI सारा कुछ इसके अंदर, सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन की सारा कुछ हमने डाल दिया, अभी सॉफ्टवेयर इसके अंदर पूरे आए नहीं है, ठीक है, अभी हम इसके अंदर देख सकते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, अभी हम इनको स्टेप बाई स्टेप डाउनलोड करेंगे, देख सकते हैं वेटिंग आ रहे हैं, जितने इसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं ये सब ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसके अंदर, अब महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, होंडई हो गया, BM हो गया, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, जो भी आपके ब्रांड हैं सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, इधर से देख सकते हैं डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, और इसके अंदर आप स्टार्टिंग लेवल पे जो नया आप स्कैनर लेना चाहते हैं तो ये लेके आप काम कर सकते हैं, कोई भी भाई को चाहिए तो अपने से रब्ता कर सकते हैं, अपने पास मिल जाएगा विथ सपोर्ट के साथ। इतना मेरा सिंपल वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को इंस्टॉल और एक्टिवेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।